अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम एकदम अच्छे हैं। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट में, जा रहे हैं बाइकिंग करने। हाँ डेजर्ट में जा रहे हैं, वहाँ बाइकिंग करेंगे और मैं फर्स्ट टाइम करूँगी, बट पता नहीं, देखते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ क्या क्या है क्या नहीं। फर्स्ट टाइम कामरान को भी हम लोग लेंगे, कामरान भी जाएगा। तो 50 किलोमीटर दरभंगा से भी आगे, एक घंटा पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये रास्ता। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कामरान को भी ले लिए और काफी लेट हो गया। तो हम लोग 3 बजे का टाइम लिए थे, दाढ़ी मूछ बनवाने गए थे कल, बहुत मतलब अजीब सा बड़ा हो गया था, तो उसी में लेट लग गया। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गया है, अब देखते हैं, ऐप पे डिपेंड करता है, ड्राइविंग स्किल दिखाएगा। 50 किलोमीटर है, आधा घंटा पहुँचा देंगे। हाँ अभी और हम लोग को जाना है पूरा रेगिस्तान छान छून के, ये रेड सैंड है ना, लाल। अच्छा, लाल बालू, ठीक है। 67 किलोमीटर 47 मिनट ट्रैफिक। इस रोड पे हम लोग सीधा जाएंगे तो जद्दा मक्का चले जाएंगे, ये रोड मक्का जद्दा, यहाँ से हम लोग कट जाएंगे तो दमाम चले जाएंगे। अच्छा, गाइस पता नहीं कान जो है ना धीरे धीरे भारी हो गया था मेरा तो कुछ ज्यादा ही, बट अभी थोड़ा सा कम हुआ है। और आपको भी हो गया था क्या? कामरान का भी हो गया था, मतलब नीचे हम लोग जो ना ऊपर से सीधे ऐसे नीचे आए हैं, इसीलिए दम भारी भारी हो गया था। हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे रुके और कुछ खाने पीने का सामान सब लेंगे और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे खाली रेगिस्तानी इलाका है। क्या कुछ मिलता है? क्या क्या है? चिप्स वगैरह, जूस वगैरह। हाँ कुछ पफ पफ ले लीजिए, पफ ले लीजिएगा। यही है और जो है जा रहे लेने के लिए, लेकर चलते हैं। हाँ। बाबू के लिए चाहिए, लिए जूस तो जब तक पिलाते हैं। मेरा वाला हाँ। कर रहा है क्या? यही इतना अभी नहीं। एक चीज यहाँ ये है सऊदी में, क्या कितना भी बड़ा कितना भी मतलब सुनसान एरिया रहे, एक पेट्रोल पंप जरूर रहता है। सही बात है, लेकिन ताकि आदमी अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है तो टैंक फुल कर ले, पेट्रोल का ले ले या कुछ सामान वाले, तो हर पेट्रोल पंप पे एक बकाला रहेगा। बकाला मतलब जो सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट रहेगा, ताकि किसी को खाना पीना है तो अच्छा रहता है। एक कॉफी शॉप रहता है, पूरा रात हो जाएगा। क्या नजारा है, कितना खूबसूरत है यहाँ पर का रेट ही अलग है एकदम सच में। रेड क्या नाम है? रेड सैंड। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चिल्ड्रन प्ले यही है गाइस, ताजमहल क्रिएट, ताजमहल क्रिएट। अभी आप कौन सा वाला, छोटा वाला था बड़ा वाला? नहीं मैं चार चक्का पे बैठूंगी। सब चार चक्का सब चार चक्का है यहाँ। तो गाइस पैराग्लाइडिंग वाला ये लगता है रेडी है पैराग्लाइडिंग। वाओ गाइस हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। हाँ बाइक से जा सकते हैं, पर अच्छा जा सकते हैं, लेकिन क्या शाम होने वाला है तो बाइक ये करके अपना वीडियो वीडियो फोटो वगैरह सब ले लेते हैं, शाम होने में फिर। यहाँ पे बाइक सबका बात कर रहे हैं, ये सब कितने रियाल का है और ये वाला भी। तो गाइस यहाँ पे कितना छोटा छोटा बच्चा सब बाइक चला रहा है और मुझे तो डर भी हो रहा है, पता नहीं कैसे चला पाए। ट्रायल है गाइस, ट्राई कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे गाड़ी सबका बहुत ज्यादा ही साउंड आ रहा है, इसीलिए जुबैर कुछ ज्यादा ही डर गया है, बहुत ज्यादा ही डर गया और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना रो रहा है। और इधर सब में भी पूरे में गाड़ी सब लगा हुआ था, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं। और यहाँ पे जुबैर पता कर रहे थे जो किस तरह से चलता है, और जुबैर बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। और गाइज यहाँ पे पैरा ग्लाइडिंग भी हो रहा है, मुझे तो करने का मन कर रहा पर डर भी लग रहा, पता नहीं।
बाद इन मुमकिन बाद इन डर रहा है वो ऊपर आ गए हैं और देखिए पूरा ऊपर से क्या नजारा है पूरा एकदम। अब जुहैब निकला गाड़ी चलाते हुए, चलो आराम से ठोक मत देना किसी को। गाइस अब हम सुहैब जुबैर तीनों आदमी राइडिंग के लिए निकले थे और बहुत ज्यादा ही हम लोग को अच्छा लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग तीनों आदमी एक साथ बाइक पे बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था और जुबैर भी थोड़ा सा शांत था इसीलिए हम लोग इंजॉय कर पाए, वरना हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि जुबैर इतना ज्यादा रो रहा था इसीलिए हम लोग को और ज्यादा लेट हो गया। बट कोई नहीं, हम लोग जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो मतलब 4 बजे तक यहाँ आ जाना बेहतर होता है, तभी अच्छे से फोटो वीडियो आप आराम से ले सकते हैं। और जुबैर भी शांत था इसीलिए और मजा आ रहा था और क्योंकि रेगिस्तानी था इसीलिए ऊपर नीचे गाड़ी हो रहा था इसीलिए और अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे बाइक चलाने की कोशिश कर रही थी और जुबैर मुझे बार बार बतला रहे थे ऐसे करिए ऐसे चलाइए ज्यादा आगे मत जाइए, बट मैं एक बार चलाया ना मेरा सारा डर खत्म हो गया। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा ही डर रही थी बट बहुत अच्छा लगा मुझे चला करके और जुबैर और ज्यादा परेशान नहीं करता तो और तेज चलाती, बट कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और चलाऊंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बच्चा बहुत बाबू बहुत रोया, बहुत बच्चा बाबू बहुत ज्यादा रोया। कैसा लगा लेकिन आपको मजा आया? बहुत मजा आया। मैं तो अब स्कूटी खरीदूंगी। स्कूटी खरीदूंगी मतलब यही आपको खरीदवा देते हैं? हां यही खरीदवा देते हैं। एकदम पहाड़ आदमी चढ़ जाइएगा। हां बहुत मजा है। विराज मिलना जरूरी है। बच्चा इधर आ जाएगा। मैं छोड़ती हूं। और यहां पर कैमल राइड भी है 40 रियाल घंटा। रात में जब आ गए तो चमक रहा होगा। ए कैसा लग रहा है वीडियो? तो अभी हम लोग चला लिए। जुबैर इतना रोया। वो रोया इसलिए क्योंकि जो जितना भी क्वाड बाइकिंग है ना, इतना बाइक का इतना ज़्यादा साउंड है क्योंकि डीजल इंजन है पूरा, बहुत ज़्यादा साउंड। और फिर पहली बार ये ऐसी एरिया में आया जहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा शोर वोल आई है सर, तो इतना उस टाइम से जिस टाइम से आया उसी टाइम रो रहा। बट बीच बीच में जैसे जैसे चुप हुआ वैसे वैसे जो है थोड़ा बहुत हम लोग इन्जॉय कर लेंगे। 90 रियाल दिए हम लोग एक घंटा का। 90 रियाल अगर बोले तो इंडियन करेंसी में 2000 के आसपास, 2100 के आसपास एक घंटा का। आपका स्वागत है। कैसा रहा आपका ड्राइव? हम रास्ते तो रहे थे भाई, यहीं पे ये ओपन किया हुआ है। शांत तो नहीं होगा वैसे। अब चलेंगे कमान जाके, अंधेरा हो गया ना एरिया, बहुत सन्नाटा वाला एरिया, इसको दे देते वापस, दे जाके। तो गाइस रात भी काफी हो गई है और वैसे रात में अब रहने कोई मजा है कोई ये रात नहीं है। ज्यादा नहीं, 6:30 बजे लेकिन क्या अंधेरा हो गया ना, 6 बजे मालिक भी आदान हो जाती है तो अंधेरा हो गया। ये सब एरिया में क्या लाइटिंग वाइटिंग कुछ है नहीं इंतजाम, इसीलिए अभी जो हम लोग रोड पे जाएंगे एकदम लाइट नहीं है। तो अच्छा लाइट इस वाले एरिया में लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल जाते हैं जर्नी के लिए। सही है। और जुबैर गाइस इतना ज्यादा आज रोया है क्या बताऊं, और अभी थोड़ा सा शांत है वो। गाड़ी में हम लोग के साथ बैठा तो फिर भी सही था, जैसे गाड़ी रुक रही थी जाएगी तो रोएगा, बाप जाएगा तो रोएगा, दोनों चाहिए इसको साथ। हाँ। तो गाइस उस टाइम आने के टाइम हम लोग ऊपर से नीचे आए थे और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। शायद आप लोग दिख भी नहीं रहा होगा शीशा की वजह से और प्लस रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और काफी देर हो गया, जुहैब सो भी गया है क्योंकि बहुत ज्यादा ही वहां रोया इसीलिए उसको थकावट भी हो गया था, बहुत ज्यादा ही थक गया था। प्लस वहां गाइस इतना ज्यादा बाइक सब इतना घर घर करता ना, वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाया। बट कोई नहीं, तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग ले रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।